हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीस किचन। मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा कहते हैं गुरुद्वारे जैसा कड़ा प्रसाद बनाना है। तो फ्रेंड्स, गुरुद्वारे जैसा कड़ा प्रसाद तो गुरुद्वारे में ही बन सकता है, बट हाँ, बनता कैसे है वो मैं रेसिपी ज़रूर शेयर कर सकती हूँ। तो आइए, चलिए देरी ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। एक कप का मेजरमेंट लेना है, एक कप घी, एक कप आटा, एक कप शक्कर और 2 से 2.5 कप गरम पानी। सिर्फ इतना ही इंग्रेडिएंट्स इसमें ज़रूरत है। सबसे पहले हम पैन गरम कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे हमारा 1 कप घी, जैसे ही घी गरम हो जाए, ज़्यादा गरम नहीं करना है, जैसे ही घी पिघलने लग जाए उसमें हम ऐड कर देंगे हमारा 1 कप गेहूं का आटा, व्हीट फ्लार, और इसे अच्छी तरह स्लो गैस पर, धीमी आंच पर हमें इसे स्टर करते हुए अच्छी तरह से पकाना है, जब तक ये रेडिश कलर का नहीं हो जाता, अराउंड ब्राउनिश रेडिश। इसे यूं ही फेरते रहेंगे हम। फास्ट गैस पे बिल्कुल नहीं बनाना है। फास्ट गैस पे बनाएंगे तो आटा बिल्कुल जल जाएगा। स्लो गैस पर, धीमी आंच पर इसे हमें स्टर करते रहना है। लगभग 4-5 मिनट से हम इसे स्टर कर रहे हैं धीमी आंच पर। आप देख सकते हैं रंग बदलने लगा है और घी आटा एक दूसरे को छोड़ने लगे हैं। जब घी तरीके से अलग होने लग जाए, मतलब हमारा आटा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस समय हम ऐड कर देंगे हमारा 1 कप शक्कर। मिक्स कर लें अच्छे से। ऐड कर देंगे हम अराउंड 2 कप पानी। तो ये 2 कप पानी हमें ध्यान रखना है कि एक हाथ से हम पानी ऐड करें और दूसरे हाथ से हम आटे, शक्कर, घी को, मिश्रण को अच्छी तरह मिक्स करते रहें, अदरवाइज इसमें गांठें बन जाएंगी। तो वो नहीं करने के लिए हमें उसे कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहना है। आप देख सकते हैं कैसे पूरा मिश्रण एक साथ आ चुका है, और जब ये कढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ दे, इसका मतलब है हमारा आटा अच्छी तरह भुना हुआ है और हमारा प्रसाद बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल रेडी है कड़ा प्रसाद, आटे का प्रसाद। ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। इसे ऐसे ही पकाते रहिए, वो थोड़ी सी देर में अपना कलर चेंज कर लेगा और बिल्कुल ऐसा हो जाएगा।